नमस्कार दोस्तों, निराला कंस्ट्रक्शन में आपका फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। तो दोस्तों, कभी भी आप फ्लैट खरीदने जाते हैं या रूम रेंट के लिए भी पता करने जाते हैं तो आपको अक्सर सुनाई देता होगा कि ये 2 BHK, ये 3 BHK, 1 BHK या फिर 1.5 BHK। जी हाँ दोस्तों, 1.5 BHK, इसके बारे में आप शायद बहुत ही कम बार सुने होंगे। तो दोस्तों, इसमें ये BHK आखिर है क्या? तो दोस्तों, आप इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। इस वीडियो देखने के बाद आपका पूरा ये जो टॉपिक है ये पूरा क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि BHK है क्या। तो दोस्तों, B का मतलब होता है बेडरूम, H का मतलब होता है दोस्तों हॉल, और K का मतलब होता है दोस्तों किचन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, तो अब आता है दोस्तों 1 BHK या फिर BHK, दोनों एक ही बात है दोस्तों। आप 1 BHK भी बोले या फिर BHK बोले, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है? तो दोस्तों, ये बेडरूम के आगे 1 लगा हुआ है, इसका मतलब है कि आपको एक बेडरूम मिल जाएंगे, एक हॉल मिल जाएंगे और एक किचन। मतलब 1 BHK मतलब एक बेडरूम, एक हॉल और एक किचन। आगे चलते हैं दोस्तों, तो ये है दोस्तों 2 BHK। तो दोस्तों, ये 2 बेडरूम के पहले लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको 2 बेडरूम मिल जाएंगे, एक हॉल मिल जाएंगे और एक किचन। मतलब 2 BHK का मतलब हुआ 2 बेडरूम, 1 हॉल और 1 किचन। अब इसी तरह से दोस्तों, ये है 3 BHK, इसका मतलब हुआ कि आपको 3 बेडरूम मिल जाएंगे, 1 हॉल मिल जाएंगे और 1 किचन। मतलब आप 3 BHK का फ्लैट का मतलब हुआ कि आपको 3 बेडरूम उसमें रहेगा, 1 हॉल रहेगा और 1 किचन उसमें आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है 1.5 BHK। तो आप सोच रहे हो कि 1.5 BHK कैसे मिलेगा दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो एक बेडरूम तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, और जो 0.5 वाला है मतलब उसका ये है कि आपको एक बेडरूम के साथ साथ एक छोटा बेडरूम मिलेगा, जो कि आपको स्टडी रूम के रूप में हो सकता है या फिर गेस्ट रूम के रूप में हो सकता है। तो 1.5 BHK का मतलब आप समझ जाएगा कि एक बड़ा रूम मिलेगा आपको और एक छोटा बेडरूम मिलेगा, और उसके साथ एक हॉल मिलेगा और एक किचन मिलेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये सारी टॉपिक बारी बारी से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं इस चैनल पे हाउस कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो लाते रहता हूँ।